अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। यार इसको व्लॉग तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था ना कि मैं आपको गाइड करूंगा, आपको आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूं, कैसे वॉइस रिकॉर्ड करता हूं, कैसे एडिट करता हूं, फ़िल्टर कौन सा यूज़ करता हूँ, तो ये वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर ही बनाई है। तो वीडियो को आगे पीछे नहीं करना, पूरा वॉच करना ताकि आपको समझ पाओ। पूरा वीडियो देखना, फिर ऐसा ना हो आपको समझ ही बात ना आए, आप फिर वापसी कमेंट्स करने लग जाओ, मैसेज करने लग जाओ कि वकास भाई हम समझे नहीं है वगैरह वगैरह। तो वीडियो पूरी देखना। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि दूसरे लोग कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, मैं बस अपना तरीका बताऊंगा जिस तरीके से मैं करता हूं। और मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ ये एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जैसे कि लोगों के पास हो अपना वीवो का होगा, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ओप्पो, ये सारे मतलब वर्क करेंगे। एंड आईफोन मेरे पास है नहीं, तो मुझे पता नहीं आईफोन पे कैसे वर्क करेगा, ये कैसे बनाते हैं। वैसे उस पर तो सिंपल ही होता है, क्योंकि उस पर नॉइज़ कैंसलेशन का ऑप्शन होता है, तो उस पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन एंड्रॉयड पे मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छा फ़िल्टर होना चाहिए और वॉइस बेटर होनी चाहिए, तब जाके वॉइस लोग लिपसिंग करते हैं, तब जाके शेयर करते हैं, डाउनलोड करते हैं और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तब जाके वीडियो अच्छी लगती है जब आपकी वॉइस ही अच्छी हो। पोइट्री बंदा करता है, अगर वॉइस ही अच्छी ना हो तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं वीडियो पूरी। तो बस समझाऊंगा पूरी बात में, लेकिन आप वीडियो पूरी देखिए। मैं बार बार मैं आप लोग को ना स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि जैसे मैं पहले क्या करता हूँ, फिर बाद में क्या करना चाहिए, यह स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। आपको तीन एप्लीकेशनों की ज़रूरत भी पड़ेगी और वो मैं आगे जाके बताता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से समझाता रहूँगा ना स्टेप बाय स्टेप, आप लोग को एप्लीकेशन का भी पता चलता रहेगा। तो पहला वर्क जो होता है तो वो ऐसे यही होता है, वीडियो बनाना, ऐसे जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ऐसे वीडियो बनाना होता है। कैमरा अभी मैं आपको बताता हूँ किस पे बनाना होता है वो वीडियो, और फ़िल्टर कौन सा यूज़ करना होता है। तो चले पहले वो स्टेप पूरा करते हैं। शहजाद, तो ये था पहला स्टेप कि मोबाइल किस तरीके से पकड़ना चाहिए और किस तरीके से ज़ोर, अच्छा बात ज़ोर से करनी चाहिए। मैंने वॉइस म्यूट कर दी थी, लेकिन बात ज़ोर से करनी चाहिए ताकि बाद में आपको वो लाजमी काम आए, क्योंकि वॉइस सुनोगे तो आप बाद में सही से पोइट्री कर पाओगे, क्योंकि मेन टॉपिक होता है बाद में। ये ईजी होता है, ये वीडियो बनाना ईजी होता है, लेकिन एडिटिंग और वॉइस इम्प्रूव करना ये थोड़ा हार्ड होता है। तो चलते हैं दूसरे स्टेप पर। यार शहजाद, जैसे मैंने बताया कि आपको स्टेप बाई स्टेप समझाऊँगा, आप जब कर यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब यार शहजाद हो जैसे मैंने बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आप जब वीडियो बना रहे होते हो तो स्नैपचैट पे बनाना, कोई अदर कैमरे से नहीं बनाना, क्योंकि एंड्रॉयड पे यही कैमरा और यही फ़िल्टर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको बताता हूँ ये वाला फ़िल्टर, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ऊपर देखो, अल्ट इंडिकेट बाय, ये वाला फ़िल्टर यूज़ करना, ये ज़्यादा बेटर होता है फ़िल्टर, और ये वाला फ़िल्टर पे ही बनाना। और ये वाला फ़िल्टर ना ज़्यादा वर्क करता है शाम के टाइम, जिससे अभी मैं ये शाम के टाइम बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी काफ़ी अंधेरा होने वाला है, मगरिब होने वाली है, तो ये शाम के टाइम से मुराद ये है कि जब हल्की हल्की धूप होती है ना उस टाइम ज़्यादा वर्क अच्छा करता है। तो ये हो गया एक पहला काम। तो दूसरा काम ये होता है, आपको ये वाली इको जो एप्लीकेशन नज़र आ रही है ना टॉप पर, ये इको एप्लीकेशन में जाना। आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इतना बड़ा आइकन है, रिकॉर्ड कर लिया, जब रिकॉर्ड स्टॉप करोगे तो ये स्टार वाला ऑप्शन आ जाएगा, स्टार को क्लिक करोगे ना, ये देखो अभी मैंने क्लिक कर दिया, रेड हो गया, ये हो गया सेव, ये आपकी जो वॉइस होगी ना ये सेव हो जाएगी। और वॉइस आपको करना है बोया M1 माइक के साथ, ऐसे फजूल नहीं करना, फजूल आप करोगे कभी भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं होगी। बोया M1 माइक है, उसके साथ रिकॉर्ड करो, और मतलब इस जगह पे रिकॉर्ड करो, ऐसी जगह जहाँ पे कोई नॉइस वगैरह, कोई फजूल आवाज़ें ना आ रही हों, जैसे कि कमरे में बैठ गए आप, कमरे में एक खिड़की दरवाज़ा बंद कर लिया, ताकि कोई फजूल की नॉइस अंदर ना आ रही हो, या तब जाके अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड होती है। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ एंड्रॉयड पे, एंड्रॉयड के ऑप्शन नहीं होते हैं कि आपकी फजूल वॉइस हैं, फजूल आवाज़ें वो कैंसिल कर दें, क्योंकि वो सारी चीज़ें पकड़ता है। इसलिए बोया M1 माइक आपके पास लाजमी होना चाहिए, और ये एप्लीकेशन अच्छी है, बेहतर है, और सेव कर लेना स्टार दबा के, या एक काम हो गया पूरा। और तीसरी एप्लीकेशन आपको ये लेक्सियस ऑडियो, ऑडियो लिखा हुआ है लेक्सियस ऑडियो, ये वाली ऑन कर दी है, उस पर ऑन करके फिर ये ओपन वाला ऑप्शन है ना, ओपन वाला करके अब सेलेक्ट करना है आपने कि वॉइस कहाँ पर है आपने जो रिकॉर्ड की है। वैसे नॉर्मली इको ऑप्शन लिखा हुआ होता है, इको फोल्डर,
उसमें होती है। तो ये लास्ट वाली मैंने यही की है जो अभी मैं कर रहा था ना, ये नंबर देख लेना, नंबर 1339, ठीक है। ये 1339 एंड में जो नंबर है ना, ये उठाया, ओपन किया, ये सेव कर दिया। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, छेड़छानी कुछ नहीं करनी, बस ये तीन लाइनें हैं, तीन डॉट बने हुए ऑप्शन, तीन डॉट पे क्लिक करना है और इफ़ेक्ट में जाना है और नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज लिखा हुआ है 1 2 3 4 चौथे ऑप्शन में नॉर्मलाइज है, ये नॉर्मलाइज पे क्लिक कर देना है। नॉर्मलाइज पे जब क्लिक करोगे ना तो ये अपनी अपनी जगह पे ना वॉइस आ जाएगी, यानी कि नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मलाइज कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे स्लो है वो बिल्कुल लेवल हो जाएगी, अच्छी बन जाती है वॉइस। फिर आपको सेव कर देना है, सेव आपको नाम से करना है, जैसे कि सेव विद फायर मैनेजर में गया, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया कोई भी, जैसे मैं वकास अहमद व्लॉग लिख देता हूँ, सही है, ये मैंने सेव कर दिया, ये सेव कर दिया। तो शहज़ादो हमने वॉइस रिकॉर्ड कर ली, वीडियो बना ली, नॉर्मलाइज कर लिया, वॉइस को इम्प्रूव कर लिया, अभी फ़ाइनल काम होता है हमारा कपकेट में। कपकेट में हमने करनी है एडिटिंग, वॉइस को जो हमने दूसरी वॉइस रिकॉर्ड की है, यानी कि वॉइस ओवर किया है, एक तो वॉइस ओवर हमने वीडियो में वॉइस बोली हुई है वो क्लियर नहीं होगी, और दूसरा वॉइस ओवर जो किया है ना वो हमने कपकेट में एडिट करके लिपसिंग मैच करनी है, बिठानी है। न्यू प्रोजेक्ट में गया, कपकेट ओपन किया, उसके बाद हम चले जाते हैं, मैं रेंडमली कोई उठा लेता हूँ जिसमें आप भी समझ जाओ, मुझे भी ज़्यादा मुश्किल ना हो समझाने में, मैं ये वाली वीडियो उठा लेता हूँ, मैं इसकी वॉइस ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने ना फ़िल्टर चेंज करना है, हमने जो स्नैपचैट में जो फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है ना वो आपको जैसे बताया शाम के टाइम सही वर्क करता है, शाम के टाइम अच्छे से सही वर्क करता है, अभी आप वीडियो में देख भी रहे हो, और यहाँ पे मेरा डेटा ऑन नहीं है वो फ़िल्टर खुलेगा नहीं, सही है। हम गए फ़िल्टर में, फ़िल्टर में सबसे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आएगा ये मेटल लिखा हुआ है, मेटल ये वाला फ़िल्टर है, ये देखें फ़िल्टर मैंने यूज़ किया, आपको इससे कोई कुछ चेंज नहीं करना, अगर आप एंड में बढ़ाना चाहो तो बढ़ा देना, वैसे नॉर्मली रहने देना शुरू में, स्टार्टिंग में वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये हमारा काम हो गया पूरा कंप्लीट, फ़िल्टर हमने लगा दिया। अब चलते हैं हम वॉइस पे, वॉइस हमने ऑडियो पे क्लिक किया, फाइल इसमें गए, फाइल मैनेजर फ्रॉम डिवाइस में गए, वॉइस जो हमने रिकॉर्ड की थी हमने नाम लिखा था, तो हमने नाम वो सर्च करना है, वकास, देखें आ गया, 31 सेकंड की वॉइस है, मैंने नाम रेंडमली लिख दिया था, आप जो लाइनें हो ना वो नाम लिखना ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, मैंने ये लगा दिया, सही है। सबसे मेन जो बात है ना, आपने ये 100 हुआ होगा, आपने इसको 200 पे कर देना है, वॉइस थोड़ी बढ़ा देनी है, 200 पे कर देना है, सही है। और आप देखना ये चीज़ें ना बिठाना, अब मैं बिठा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो पहले से एडिट हुई हुई है, और अगर एडिट करने बैठूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो, तो ये आपको स्प्लिट कर देना है, मतलब ये दो लाइनों वाली वीडियो है ना तो फजूल पार्ट काट दिया, ये दो लाइनें हो गई अलग अलग, ठीक है। जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो आपने इसे लिपसिंग से ऐसे बिठा दिया, आपको पता चल जाएगा जब आप ख़ुद बनाने लगोगे ना, फिर दूसरी भी ऐसे बिठा दी, लिपसिंग मैच हो जाएगी। उसके बाद म्यूज़िक का काम आता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने उठाने, म्यूज़िक उठाने जैसे मैंने डाउनलोड किए हुए म्यूज़िक, जैसे रेंडमली मैं उठा लेता, ये मैंने म्यूज़िक उठा लिया, इसको ना ऑडियो में कर देना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो लिखा हुआ है, ये वीडियो डिलीट कर देनी है जहाँ से हमने निकाला है म्यूज़िक, ठीक है। और म्यूज़िक को हमने रखना है कम से कम 15 से 12% लेकिन मैं वॉइस ऑफ कर देता हूँ, ऐसे ना कॉपीराइट आ जाए। उसके बाद एंड में जो वॉइस होती है ना वो बढ़ा देनी है, ये स्प्लिट किया म्यूज़िक को, ये हमने 100 पे रख दिया, लेकिन मैं रख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि म्यूज़िक ओपन हो जाएगा, ये 100 पे रख दिया। उसके बाद और कोई काम नहीं होगा, अगर कोई इफ़ेक्ट वगैरह लगाने हैं तो वो तो मेरे ख्याल से आपको सबको पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ इफ़ेक्ट लगाने का तरीका ये है ना, इसमें ये लिखा हुआ इफ़ेक्ट, यहाँ पर इस पर क्लिक करके इफ़ेक्ट खुल जाएंगे, वीडियो इफ़ेक्ट में जाओगे ना सारे इफ़ेक्ट आ जाएंगे, आप मर्ज़ी है फिर जो भी इफ़ेक्ट लगाओ। उसके बाद सेव कर देनी है, सेव आपको मैं बताता हूँ 1080p और ये ना
कोड रेड लिखा हुआ है इसको हाई पे कर देना है और कुछ नहीं करना। 30 FPS पे रहने दो, 1080p पे रहने दो, बस हाई रेजोल्यूशन पे कर देना फ्रेम रेट जो है कोड रेड, तो ये आपको हाई पे कर देना है। फिर उसके बाद सेव कर देनी है, ये सेव हो रही है। अब ये वीडियो सेव हो गई, हमारा काम यहीं पे एंड हो गया, यानी कि हमने एडिटिंग भी कंप्लीट सीख ली। अब मैंने आपको ना एडिटिंग रैंडमली सिखाई है, मतलब परफेक्टली नहीं सिखाई है, क्योंकि वो परफेक्ट बंदा ख़ुद काम करता है। मैंने बस आपको तरीका बताया कि इस तरीके से काम किया जाता है वॉइस ओवर। अब आप दूर से भी, आप दूर की लिपसिंग कर रहे हो, यानी कि आपका आप खुद दूर खड़े हुए हो, आपकी कोई वीडियो शूट कर रहा है, आप खुद बोल लोगे, आपको पता होगा ना मैंने क्या बोला है, तो आप वॉइस ओवर करके ना उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। यही तरीका होता है, बड़े बड़े टिकटॉकर जो भी हैं ना, जो अपनी वॉइस में बनाते हैं, यही तरीका होता है। भले आप तब अच्छे से अच्छा मोबाइल भी ले लो ना, तब भी यही तरीका होता है। शहज़ाद, उम्मीद है अभी आप मेरी बात समझ गए होगे, हर चीज़ मैंने आपको बताया। वैसे ये सीक्रेट कोई शेयर नहीं करता, यकीन करो। मैंने जब स्टार्ट किया था ना ये चीज़ करना, वॉइस अपनी वॉइस में वीडियो बनाना, तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया था। मैंने जो बड़े बड़े टिकटॉकर हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको मैंने मैसेज किए, कमेंट्स किए, लेकिन मुझे आज तक रिप्लाई नहीं आया। तो बस ये दुख होता है, तो इसीलिए मैंने बोला पहले यही व्लॉग बनाएंगे, ताकि जो मेरे अपने चाहने वाले हैं, ताकि उनको कुछ फ़ायदा भी हो। तो बस अभी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरा मकसद था आपको समझाना, मैंने समझाया। अब मुझे सही पता नहीं है कि मैं सही से समझा पाया हूँ या नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों में थोड़ा कच्चा हूँ, तो व्लॉगिंग में तो कुछ ज़्यादा ही बेकार हूँ। तो इंशाल्लाह हर चीज़ में इम्प्रूव होएंगे आस्ते आस्ते। अब देखो, जब मैंने पोइट्री स्टार्ट की थी ना, तब मैं इम्प्रूव नहीं था, तो अभी माशाल्लाह ज़्यादा इम्प्रूव हो गया हूँ। तो अभी लोग भी हों तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा काम होता है। मैं जब अपना वीडियो बना रहा होता हूँ पोइट्री की, तो अगर कोई आगे पीछे बंदे भी होते हैं ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना काम समझता हूँ उसको। तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो यार लाजमी मुझे यहाँ पे ना सपोर्ट लाजमी करना, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मुझे लाइक फॉलो सब्सक्राइब लाजमी करना, शेयर से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जिनको मसला है इस चीज़ का वो समझ पाएँ। ठीक है शहज़ादो, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।